Good morning, everybody. Myself, Komal Sahani, Senior Lecturer, CTTM, Government Women's Polytechnic College, Ajmer. आज का मेरा टॉपिक है निटिंग यान. सबसे पहले निटिंग यान को जानने से पहले हम उसके बारे में जानेंगे कि यान क्या होता है. देखिए, इसको हम कई तरह से परिभाषित भी कर सकते हैं. पहला है कि एनी फाइबर which is spun into strands used for weaving, knitting, etc. ये एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है जिसमें ये बताया गया है कि कोई किसी भी प्रकार का फाइबर, टेक्सटाइल फाइबर, जब उसे स्पन किया जाता है, यानी कि जब हम उसको एक साथ लेकर और एक ट्विस्ट देते हैं, उसको कहते हैं स्पन. और एक स्ट्रैंड के फॉर्म में, एक लंबे धागे के रूप में जब हम उसे बनाते हैं और उसका प्रयोग हम वीविंग और निटिंग या अन्य प्रकार के वस्त्र निर्माण में प्रयोग करते हैं, तो वो कहलाता है यार्न. ये एक सिंपल भाषा की परिभाषा है यार्न की. दूसरा है, अ टेक्सटाइल यार्न इज अ कंटिन्यूस स्ट्रैंड ऑफ स्टेपल ऑफ फिलामेंट फाइबर्स ट्विस्टेड टुगेदर. टेक्सटाइल यार्न क्या है? टेक्सटाइल यार्न वह है जिसमें स्टेपल फाइबर्स और फिलामेंट फाइबर्स की एक लंबी कंटिन्यूस स्ट्रैंड में उसका निर्माण किया जाता है. और वो तब होता है जब वो सारे फाइबर्स एक दूसरे के साथ ट्विस्ट होते हैं. जैसे कि स्टेपल फाइबर्स वे होते हैं जो कि इंचेस में मेजर किए जाते हैं, और फिलामेंट फाइबर्स वे होते हैं जो कि मीटर्स में मेजर किए जाते हैं. मोर देन एन इंच और सेंटीमीटर्स. तो स्टेबल फाइबर्स स्मॉल होते हैं और फिलामेंट फाइबर्स जो होते हैं वो लंबे होते हैं. जब इनको ट्विस्ट किया जाता है तो हमारा यार्न का निर्माण होता है. तीसरी डेफिनेशन है, अरेंजमेंट ऑफ फाइबर्स इन स्पायरल कॉन्फ़िगरेशन. यानी फाइबर्स को जब ट्विस्ट दिया जाता है तो एक स्पायरल कॉन्फ़िगरेशन का निर्माण होता है. तो फाइबर्स के अरेंजमेंट यानी उसकी व्यवस्था को एक स्पायरल कॉन्फ़िगरेशन में लाना ही यार्न कहलाता है. फोर्थ है, अ यार्न इज अ कंस्ट्रक्टेड असेंबलेज ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स विच एक्ट एज अ यूनिट इन फैब्रिक फॉर्मेशन. इसमें भी यही है कि टेक्सटाइल फाइबर्स को जब एक साथ मिलाकर एक लंबा कंटिन्यूस स्ट्रैंड बनाया जाता है, और जिसका जो कि बेसिक यूनिट है किसी भी वस्त्र निर्माण का, एक बेसिक इकाई है या मुख्य इकाई है, उसी को कहा जाता है यार्न. यहाँ पर मैंने चार प्रकार के यार्न्स डिस्प्ले किए हुए हैं जो कि निटिंग में यूज़ होते हैं और निटिंग मशीन में होते हैं. बाय हैंड भी किए जा सकते हैं और बाय मशीन भी किए जा सकते हैं, जो कि हम लोग सेमी ऑटोमेटिक फ्लैट बेड मशीन है, निटिंग मशीन्स, उनमें इन यार्न्स को हम प्रयोग कर सकते हैं. वैसे यार्न थ्री टाइप्स के होते हैं, बेसिक टाइप्स, सिंगल यार्न, सिंपल यार्न्स, कॉम्प्लेक्स और नॉवल्टी यार्न्स एंड टेक्सचर्ड यार्न्स. ठीक है, टाइप्स ऑफ यार्न्स के बारे में आपको मैं अलग वीडियो में समझाऊंगी, बट आज हम इन चार प्रकार के यार्न्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, ये पहला वाला यार्न है जिसे हम कहते हैं सिंगल यार्न. इसे सिंगल यार्न इसलिए कहा जाता है क्योंकि फाइबर्स को इसमें स्टेपल फाइबर्स का प्रयोग किया जाता है. इन चारों में हमारे स्टेपल फाइबर्स का प्रयोग किया गया है. इसमें फाइबर्स लिए जाते हैं, उनको एक साथ एक ही लेंथ में लेके और फिर इन्हें ट्विस्ट दिया जाता है. तो ये एक तरह से एक सिंगल प्लाई बनता है. जब इसमें हम ट्विस्ट देते हैं तो वो कहलाता है सिंगल यार्न. सारे फाइबर्स को लेके और उसमें ट्विस्ट देना इज नोन एज अ सिंगल यार्न. यहाँ आप देख सकते हैं ये ब्लू वाला, ये है प्लाई यार्न. प्लाई यार्न का निर्माण तब होता है जब हम सिंगल यार्न को, नंबर ऑफ सिंगल यार्न्स को जब एक साथ ट्विस्ट करते हैं. ये देख सकते हैं आप, ये सिंगल यार्न है, ये सिंगल यार्न है, इन दोनों को एक साथ हमने ट्विस्ट किया है.
इसको कहते हैं स्पाइरल कॉन्फ़िगरेशन, ये रहा स्पाइरल कॉन्फ़िगरेशन, आप सीख सकते हैं, ये गोल गोल सा घूम के इसको ट्विस्ट दिया गया है। तो ये सिंगल, दो सिंगल यार्न्स को जब हम एक साथ ट्विस्ट करते हैं तो ये जो निर्माण होता है ये वाला हिस्सा कहलाता है प्लाई यार्न। ये सिंगल है, वन एंड टू सिंगल यार्न्स व्हेन ट्विस्टेड टुगेदर मेक्स अ प्लाई यार्न। ठीक है, अब इसमें जितने नंबर के सिंगल यार्न्स को ट्विस्ट किया जाता है उसी के आधार पर इनको नेम किया जाता है। जैसे कि इसमें टू सिंगल यार्न्स हैं तो ये होगा टू प्लाई यार्न। ठीक है, इसी प्रकार से इस वाले यार्न में हम देख सकते हैं, देखिए इसमें हम थ्री सिंगल यार्न्स को हमने एक साथ ट्विस्ट किया है। थ्री सिंगल यार्न्स को एक साथ जब ट्विस्ट करते हैं तो ये संख्या है तीन, और ये है हमारा प्लाई यार्न। ये सिंगल यार्न्स व्हेन ट्विस्टेड टुगेदर मेक्स अ प्लाई यार्न, इट इज नेम्ड एज थ्री प्लाई यार्न। ठीक है, इसी तरह से आप ये देख सकते हैं कि इसमें फोर सिंगल यार्न्स आर ट्विस्टेड टुगेदर टू मेक प्लाई यार्न, फोर। तो जितने सिंगल यार्न्स हैं तो ये हो गया फोर प्लाई यार्न्स। आप देख सकते हैं वन टू थ्री फोर, फोर सिंगल यार्न्स व्हेन दे आर ट्विस्टेड टुगेदर टू मेक अ प्लाई यार्न। तो इसको कहें ये हो गया फोर प्लाई यार्न। ठीक है, तो अब हम से कह सकते हैं दिस इज अ सिंगल यार्न, दिस इज अ टू प्लाई यार्न, थ्री प्लाई यार्न एंड फोर प्लाई यार्न। इन सिंगल यार्न्स को हम प्लाई कहते हैं, और जब ये ट्विस्टेड टुगेदर हो जाता है तो ये सारे यार्न्स हो जाते हैं हमारे प्लाई यार्न्स। थैंक यू।